स्वागत है आपका दोस्तों एक बार फिर से लेट्स स्टडी नामक YouTube चैनल पे। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा तक शेयर करें ताकि बहुत से लोगों को ये वीडियो पसंद आए और वो इस चीज जो मैं तो यूनिवर्स पढ़ा रहा हूं उससे उन्हें समझ में आए। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो लाइक करें और इस पे कमेंट करें। तो अभी हम देख रहे थे पिछली वीडियो में आपको बताई है, लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो जाके आप उसे देख लीजिए। और हम अभी पढ़ा रहे थे पार्ट फोर्थ ऑफ द यूनिवर्स जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि सैटर्न हो गया है, दो और बचे हैं उसको कंप्लीट करवा के मैं इसको पार्ट फोर्थ कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद मैं आपको कुछ और पढ़ाऊंगा या फिर मैं आपको सीएचएस कुछ तैयारियां करवा सकता हूँ या फिर कुछ और भी आपको बता सकता हूँ। तो अभी हम पार्ट फोर्थ पढ़ते हैं। तो पार्ट फोर्थ दो यूनिवर्स है, तो अभी इसका पार्ट फोर्थ चल रहा है और हमारा आज का जो टॉपिक है वो सैटर्न है। इसके पहले मैंने जो आपको वीडियो बनाया मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाके देखें, अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो जो अभी हम आज का हमारा टॉपिक है सैटर्न। तो जो सैटर्न है वह एक बाह्य ग्रह है, यानी ये एक आउटर प्लेनेट है और ये सूर्य के क्रम से छठा प्लेनेट, यानी छठे नंबर पे जो सिक्स्थ प्लेनेट यानी छठा ग्रह है सूर्य के क्रम से। और मैंने आपको बताया था कि जो बाह्य ग्रह होता है बाह्य ग्रह के लगातार तीन में छल्ले पाए जाते हैं, लगातार तीन में छल्ले पाए जाते हैं, जुपिटर सैटर्न यूरेनस में छल्ले पाए जाते हैं। तो एक चीज इसमें और होगा तो जानते ही होंगे आप कि इसमें भी छल्ले पाए जाएंगे, ये छठा प्लेनेट है। मैंने आपको बताया था कि बाह्य ग्रह जो होते हैं वो गैसेस और तरल पदार्थ यानी जो गैस से बनते हैं और लिक्विड से बनते हैं। तो ये पहले तो हमारा पॉइंट हो गया कि छठा प्लेनेट है, ये सिक्स्थ प्लेनेट फ्रॉम द सन है, क्रम के हिसाब से छठा प्लेनेट है। सेकंड लार्जेस्ट यानी सेकंड सबसे बड़ा और विशाल ग्रह है, यानी पहला मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में जुपिटर सबसे बड़ा है और जुपिटर सबसे बड़ा है और उसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट है वो यही है। तो ये सिक्स्थ प्लेनेट है और ये सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट भी है। रिवॉल्यूशन इसका 29 ईयर 5 मंथ्स, यानी इसका जो रिवॉल्यूशन है सूर्य के चारों कितने साल में चक्कर लगाती है 29 साल 5 महीने में यह सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाती है अपने ऑर्बिट पे। ये रिवॉल्यूशन भी हो गया। रोटेशन देखिए, रोटेशन इसका जो है 10 घंटे 40 मिनट, इसका जो रोटेशन है यानी जो अपने एक्सिस पे घूमती है उसका जो रोटेशन है वो 10 घंटे 40 मिनट में है, यानी अपने अक्ष पे ये तो सूर्य की तरफ घूमती है और अपने अक्ष पे ये 10 घंटे 40 मिनट में घूमती है। तो अब जो इसके बाद हमारा टॉपिक है वो सैटेलाइट है 150, सोचिए सैटेलाइट जो है इसका 150 है और जिसमें से 62 नोन है, यानी 62 का नाम रखा गया है और उसके बाद अभी आइडेंटिफाई नहीं है, उसका नाम नहीं रखा गया है। अगर आप जो कह सकते हैं साइंटिस्ट ने भी उसे देखा तो है लेकिन अभी उसे उसको अभी नोन नहीं है, मतलब उसको अभी पता नहीं किया गया, नाम नहीं रखा गया है। तो फाउंड है यानी अरे सैटेलाइट इसका 150 है और 62 नोन है, सैटेलाइट यानी इसका 150 चांद है और 62 नोन यानी 62 का नाम रखा गया और वो नोन है, मतलब उसको लोग जानते हैं। फाउंड इन 25 अक्टूबर 1671, ये जो है ये 25 अक्टूबर 1671 में पाया गया था, ये 25 अक्टूबर 1671 में पाया गया था। और इसका जो ये जो नाम है सैटर्न, जो सैटर्न नाम है ना ये रोमन एक देवता है, उनका नाम सैटर्न, उनका भी नाम सैटर्न है। पिछले वीडियो में बताया था अलग अलग नाम था, वो लाइटनिंग के देवता थे तो उनका नाम जुपिटर पे था, रेम के लाइटनिंग के देवता थे, उसके पहले बैटल के देवता थे तो उसका नाम मार्स पड़ा था। तो ये देखिए ये रोमन गॉड किसके हैं, जनरेशन के हैं, वेल्थ के हैं, एग्रीकल्चर यानी जनरेशन मतलब पीढ़ी के, वेल्थ मतलब धन के यानी धन यानी पैसे के, आपके कितना पैसा रुपया ये सब संपत्ति, और ये जनरेशन यानी वंश के, और ये एग्रीकल्चर मतलब तो आप जानते ही होंगे एग्रीकल्चर मतलब कृषि यानी जो आपका फसल ये सब जो एग्रीकल्चर जो होता है उसके देवता है रोमन गॉड में, उनका नाम सैटर्न है, याद रखिएगा उनका नाम सैटर्न है और उन्हीं के नाम से रखा गया है। और एक हिंदू सभ्यता में माना जाता है कि शनि एक देव है, शनि एक जैसे भगवान होते हैं वैसे ये एक देव है जो कि माना जाता है कि बहुत गुस्से वाले देवता हैं और बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और जिसके ऊपर मतलब माना जाता है कि जिसके ऊपर अगर इनका प्रकोप छा जाता है तो उसके साथ बहुत ही बुरी घटना घटने लगती है। तो ये हम आपको बताएं कि रोमन गॉड जनरेशन वेल्थ एग्रीकल्चर यानी वंश
पीढ़ी संपत्ति धन और एग्रीकल्चर मतलब आपका कृषि क्षेत्र में बहुत ही ये उनका उनके देव है वहाँ पे रोमन माना जाता है। और भारत में बहुत जो सैटर्न यानी शनि होते हैं बहुत ही गुस्से वाले देवता हैं जिनके ऊपर ये पाए जाते हैं, जिनके ऊपर इनका प्रकोप रहता है, तो उनके साथ बहुत बुरी घटना घटने लगती है। अब देखिए इसका जो फादर, इसको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जुपिटर प्लूटो नेपच्यून। ये देखिए ये आप ध्यान रखिएगा कि इनको फादर यानी इनको जो जो सैटर्न है, ये जो सैटर्न है इसे जुपिटर प्लूटो और नेपच्यून का, जुपिटर तो भाई आपने जाना है कि जुपिटर एक ग्रह है, नेपच्यून भी एक ग्रह है, लेकिन ये याद रखिएगा प्लूटो एक क्षुद्र ग्रह है। मैंने आपको वीडियो द यूनिवर्स के वीडियो में बताया था, द प्लैनेट का जब मैंने शुरुआत किया था तो आपको बताया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए कि प्लूटो एक क्षुद्र ग्रह है। इसे 2006 में एक संगठन हुई थी उसमें कहा गया था कि प्लूटो एक ग्रह नहीं है, यह एक क्षुद्र ग्रह है। तो ये फादर ऑफ जुपिटर है, फादर ऑफ जुपिटर इसे सैटर्न जो देवता है, ये जो रोमन गॉड है, इन्हें जुपिटर का पिता, प्लूटो का पिता और नेपच्यून का पिता कहा जाता है। अब देखिए अब हम इसे देखते हैं कि लाइट प्लैनेट ये मत समझिए चमकीला प्लैनेट है, लाइट प्लैनेट बहुत हल्का प्लैनेट है। हल्का प्लैनेट जब साइंटिस्ट ने खोज की तो उन्होंने पाया कि ये जो प्लैनेट है ये बहुत ही हल्का है, ये लाइट प्लैनेट है। रिंग वाटर आइस रॉक डस्ट, आपको दिख रहा होगा मैंने लिखा है रिंग वाटर आइस रॉक डस्ट, यानी इसके जो रिंग है यानी इसके जो छल्ले हैं, मैंने आपको बताया था कि बाह्य ग्रह के जो लगातार तीन ग्रह क्रम से उनमें जैसे जुपिटर सैटर्न यूरेनस, इनके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। तो पहले पिछले वीडियो में बताया था कि उस पे जो छल्ले पाए जाते हैं तो इस पे भी छल्ले पाए जाते हैं, यानी इसके जो छल्ले रहते हैं किससे बने हैं, वाटर से बने, आइस से बने, रॉक से बने, डस्ट यानी वाटर यानी पाइस से बने, पानी से बने हैं, आइस यानी बर्फ से बने हैं, रॉक मतलब चट्टान, अब ज्यादा रॉक नहीं होगा, छोटा थोड़ा ही रॉक होगा, और डस्ट यानी क्या होगा, डस्ट यानी धूल। ये जो रिंग है, जो इसका रिंग है यानी जो शनि का, जो शनि देव नहीं कहेंगे, शनि जो प्लैनेट है, सैटर्न जो प्लैनेट है, वो उसका जो रिंग है वो वाटर से बना है, आइस से बना है, रॉक से बना है, डस्ट से बना है। और इसका देखिए इसका जो वो है ये किस चीज कंपोजिशन से मिलके बना है, तो हाइड्रोजन और हीलियम, देखिए वो भी जुपिटर भी हाइड्रोजन और हीलियम से बना था और ये भी हाइड्रोजन और हीलियम से ही बना है। अब देखिए मैं एक बार आपको ये दोहरा देता हूँ क्योंकि बहुत बच्चे को वीडियो समझ में नहीं आता है। तो ये सिक्स्थ प्लैनेट है, सिक्स्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन है, ये देखें क्रम के हिसाब से, सूर्य के क्रम के हिसाब से छठा प्लैनेट है सूर्य से, तो ये हमारा हो गया छठा प्लैनेट है, ये सेकंड लार्जेस्ट है, पहला जुपिटर है और दूसरा सबसे बड़ा और विशाल यही ग्रह है। तो ये भी हो गया रिवॉल्यूशन कितने दिन होता है, यानी सूर्य के चक्कर, देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, रिवॉल्यूशन जो होता है वह सूर्य का चक्कर लगाना होता है, वह सूर्य का चक्कर यानी सूर्य एक जगह स्थित रहता है और जो सब प्लैनेट होते हैं वो उसके चारों तरफ घूमते हैं अपने इमेजिनरी ऑर्बिट पे और ये उसी इमेजिनरी ऑर्बिट पे कितने साल में घूमता है, 29 साल 5 महीने, यानी 29 साल 5 महीने में ये एक पूरा सन का रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है। रोटेशन इसका होता है यानी अपने अक्ष पे ये 10 घंटे 40 मिनट में, यानी 10 घंटे 40 मिनट में ये अपने ही अक्ष पे घूमता है। सैटेलाइट इसके 150 यानी जो इसका उपग्रह है 150 है, लेकिन अभी 62 ही खोजे गए हैं, 62 का नाम रखा गया, उसे देखा गया है, उसे समझा मतलब पहचाना गया है। Found in 25 अक्टूबर 1671 यानी ये found यानी ये खोजा कब किया था, 25 अक्टूबर 1671 में। अब इसने नाम कैसे पड़ा, रोमन गॉड के जो देवता है वो किसके देवता है, वंश के हैं, संपत्ति के हैं, धन के, यानी वंश मतलब जनरेशन, संपत्ति मतलब वेल्थ और एग्रीकल्चर यानी कृषि क्षेत्र के देवता हैं। और भी देवता है लेकिन मेन और भी बहुत चीज के देवता है लेकिन ये मेन पॉइंट इसका यही है। अब देखिए फादर्स ऑफ जुपिटर प्लूटो नेपच्यून, इसके भी बहुत सारे फादर कहलाते हैं लेकिन जो मेन है वो आपका ये जुपिटर प्लूटो और नेपच्यून। तो फादर किसके हैं, जुपिटर इनको कहा जाता है, इस जो ये दो देव हैं रोमन गॉड हैं जो एग्रीकल्चर के, इनको किसका फादर कहा जाता है, जुपिटर का, प्लूटो का और नेपच्यून का, और भी दो हैं शायद, हाँ और भी दो हैं, वो आप गूगल से सेरस से शायद एक सेरस और एक याद नहीं आ रहा, आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो ये और इसे कहा जाता है बहुत ही लाइट यानी बहुत ही हल्का प्लैनेट है, यानी इसे लाइट मतलब चमकीला नहीं, ये लाइट मतलब हल्का प्लैनेट है बहुत। और रिंग वाटर
इसके जो छल्ले हैं वो वाटर से बने हैं, आइस से बने हैं, रॉक से बने हैं और डस्ट से बने हैं। यानी इसका जो चारों तरफ जो छल्ला पाया जाता है वो पानी से बना है, वो पानी से बना है, आइस से बना है, रॉक से बना है और डस्ट, यानी वाटर मतलब पानी, आइस मतलब बर्फ और रॉक मतलब चट्टान और डस्ट मतलब धूल। और इसका जो जो इसका कॉम्पोनेंट्स है वो किससे बना है, मतलब कॉम्पोनेंट से ग्रह किस किस इसके जो कह सकते हैं जो परत है या फिर जो भी वो हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। तो ये देखिए हमने आपको इस इतने पॉइंट्स में बहुत ही सिंपल भी मैं आपको समझा रहा हूँ। और देखिए अगर आप वीडियो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको कुछ डाउट है या फिर आपको किसी चीज़ पे वीडियो बनवानी है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।